हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसा एक इंडिकेटर जो इंडिकेटर आपको फाइनेंशियल लेवल के डिटेल्स आपको बता देगा। आपको ट्रेडिंग व्यू में ये इंडिकेटर मिलता है जिसका नाम है फाइनेंशियल ग्रोथ। ये इंडिकेटर आपको कैसे देखना है इसके बारे में डिटेल्स हम बात करेंगे। आप जब भी ट्रेडिंग व्यू में आप सर्च करते हैं तो कुछ इंडिकेटर ऐसा होता है जो आपको जरूर देखना चाहिए और उस इंडिकेटर को फॉलो भी करना चाहिए। और कुछ इंडिकेटर होता है रिसर्च बेसिस के लिए, यानी रिसर्च या स्टडी प्रपोजल के लिए वो इंडिकेटर को यूज करना चाहिए। कभी किसी स्टॉक के पास्ट और प्रेजेंट सिचुएशन या उसका डिटेल्स फाइनेंशियल स्टेटस को देखने के लिए यूज होता है। जैसे आप इसमें जाइए और इसमें आप क्लिक कीजिए जो इंडिकेटर का नाम है फाइनेंशियल ग्रोथ, तो आपको मिल जाएगा फाइनेंशियल ग्रोथ। तो फाइनेंशियल ग्रोथ को आप कैसे देखेंगे, सबसे बड़ा बात है इसको अच्छी तरह से किसी स्टॉक के लिए यूज करना चाहिए, ना आपको इंडेक्स के लिए यूज करना नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए ना, सिंपल ग्रोथ जो आपको फाइनेंशियल ग्रोथ किसी स्टॉक का देखना चाहिए उसको आप अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। देखिए, मैं इस इंडिकेटर को लिया और इस इंडिकेटर को मैंने यूज करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो आप देखिए, तो इस इंडिकेटर में खासियत क्या है ना, इस इंडिकेटर का खासियत ये है, यानी ऐसा इंपोर्टेंस क्या है इस इंडिकेटर में आप यूज करेंगे। तो आप देखिए, इसमें सेटिंग के जाइए और सेटिंग में आप देखिए, इस इंडिकेटर बहुत पावरफुल इंडिकेटर है और अच्छा इंडिकेटर इसीलिए है कि आप कंपैरेटिवली एनालिसिस कर सकते हैं। कंपैरेटिवली एनालिसिस का मतलब क्या है ना, आप किसी भी जो फाइनेंशियल टूल है दूसरी फाइनेंशियल टूल के साथ आप कंपैरेटिवली एनालिसिस कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इसमें आपको क्या है ना, आपको क्या चाहिए ना, इसमें आपको जो भी चाहिए वो आपको मिल जाएगा। आप इसको ईयरली देखना चाहते हैं या क्वार्टरली रिजल्ट देखना चाहते हैं या ईयरली बेसिस का रिजल्ट देखना चाहते हैं, ये डिटेल्स आपको बता देगा, पहला बात है। दूसरी बात क्या है ना, आपको कैसे देखना चाहिए। देखिए, इसमें आइटम 1 एंड 2 लिखा गया है, इसमें आपको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए कितना टूल आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। इसमें आपको क्या है ना, नेट इनकम, ये आपको ईपीएस और टोटल एसेट, टोटल लाइबिलिटीज, डिबेट डिबेट, तो ये सारे के सारे इसमें आपको टूल है। वही सेम टू सेम टूल इसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा, वही सेम टू आपको टूल देखने के लिए, फाइनेंशियल टूल देखने के लिए मिलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए ना, सिंपल आपको यहाँ से ये जो आपको टेबल दिया गया है स्क्रीन में, मेरा क्रसर जहां पर है आप देख सकते हैं, तो इसमें आप इसको कंपैरेटिवली देख सकते हैं। कंपैरेटिवली का मतलब क्या है ना, आप देखिए इसमें क्यू टू क्यू, वाई टू वाई, क्यू टू क्यू, वाई टू वाई लिखा गया है। तो आप क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पर नेट इनकम आपको सिलेक्शन किया और इसमें आपको क्या किया ना, आप देखिए इसमें मैंने आपको क्या कर रहा हूँ, मैं किसी भी आप जो चाहते हैं देखने के लिए मैं आपको यहाँ से नेट मार्जिन लगा देता हूँ। तो आप देखिए, तो आप इसको जब भी देख रहे हैं तो एक छोटा नहीं बड़ा टाइम फ्रेम के साथ आप सेटिंग करेंगे तभी आपको पता चलेगा, तो आपको अच्छी तरह से डाटा आपको मिल जाएगा। छोटा टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एनए यानी आपको अच्छी तरह से देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप जितना डे बेसिस या बड़ा टाइम फ्रेम आप लगाएंगे उतना सही तरीके से आप किसी स्टॉक का फाइनेंशियल डाटा को आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये जो नोट मैंने आपको बताया, कुछ स्पेसिफिक बात जो बताया उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। नंबर टू, सेटिंग में जाइए, मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप इसमें जाइए, दोनों आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए किसी के साथ किसको आप कंपेरेटिवली देख रहे हैं, तो मैंने एचडीएफसी बैंक को आपको डिटेल्स दिखा रहा हूँ, तो मैंने एचडीएफसी बैंक का नेट इनकम आपको क्लिक किया। तो लास्ट जितने सारे क्वार्टरली आप रिजल्ट देख रहे हैं ये सारे के सारे क्वार्टरली रिजल्ट आपको आइडेंटिफाई हो रहा है और आपको दिखाई दे रहा है 2023 मार्च 31 को ये नेगेटिव आया था और जून को नेगेटिव आया था, उसके बाद ये पॉजिटिव आपको नेट इनकम दिखाई दे रहा है। और इसके बाद आप देखिए जो नेट मार्जिन आप दिखाई दे रहा है, पहला आया था 22, 20, 15, 15, 40 भी आ गया है ये मार्जिन रेट देख रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए ना, आप कभी भी एक प्लस माइनस आप सर्च कर रहे हैं तो आप इसको देखिए तो आपको पता चलेगा। देखिए ये जो डाटा है, इस डाटा का आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि पूरे के पूरे आपको मैं क्यों इसको इतना इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए ये जो डाटा आपको दिखाई दे रहा है, पी वैल्यू दिखाई दे रहा है
और उसके साथ में नेट इनकम का आपको डाटा दिखाई दे रहा है। तो ये नेट इनकम का डाटा और पी डाटा आप देख सकते हैं, ये डाटा आपको एक चार्ट पैटर्न के साथ आपको दिखाई देगा। दूसरी बात क्या है ना, आप यहाँ पर देखिए कि 2023 में आपको 125.94 मिलियंस आपका आपको इन नेट इनकम दिखाई दे रहा था, लेकिन उस टाइम पर 19.56 आपको पी वैल्यू था। उसके बाद देखिए पी वैल्यू धीरे धीरे घट रहा है और 16.102 आ गया है, जहां पर 2.1 Q2Q आया था, 176 था आपको देखने के लिए मिल रहा था। तो आपको आपका जो वर्म टैक्स होगा जिसको आपको देखना चाहिए, इसमें आपको क्या है ना, इसमें आपको सेटिंग में आपको देखना चाहिए कि इसमें मैं किस टूल को यूज कर रहा हूँ। जो टूल को मैं यूज कर रहा हूँ उसके साथ जो एग्नस्ट में मैं जो किसी भी टूल को आपको दे रहा हूँ, तो उसके साथ क्या कंपेरेटिवली रिजल्ट मुझे देखने के लिए मिल रहा है। तो आप देखिए यहाँ से आप देखिए, ये जो डाटा मैंने डाला, डिविडेंड डाटा डाला, डिविडेंड फॉर शेयर डाटा डाला, और डिविडेंड डाटा ये HDFC बैंक का जो आप देखने 31 को दिया था 19, उसके बाद कुछ भी नहीं दिया था। उसके बाद मार्च को 19 रुपया 50 पैसा आपको देखने के लिए मिला। तो आप देखिए ये आपको ईयर टू ईयर सिर्फ 20 रुपये करीब करीब आपको दे रहा है। उसके साथ आप इसमें मार्जिन आप देखिए, नेट मार्जिन आप देख सकते हैं, यानी आप कुछ भी आप देख सकते हैं, उसका ग्रोथ, उसका फाइनेंशियल स्टेटस, ये जो है आप इसको स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं अच्छी तरह से। आप किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा बात है कि आप इसमें जाकर एक एक कवरेज रेशियो लगाइए और इस रेशियो को स्टडी करने के लिए ट्राई कीजिए। अदरवाइज आप इसमें देखिए किस लेवल पर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, तो अच्छी तरह से आपको पता चल जाएगा आपको कैसे देखना चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड।